आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब। ऑलराइट गाइस, सो आज की ब्लॉग जो है ये स्टेडियम की ब्लॉग है 26 जनवरी का। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि ये पूरे रैली लगा हुआ है। सारे गोपालगंज में जितने सरकारी स्कूल है सारे स्कूल के लड़के आए हुए हैं। यहाँ पे रैली लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे लड़कों और लड़कियाँ सबका रैली लगा हुआ है, और साथ साथ ही यहाँ पे बिहार पुलिस का भी रैली लगा हुआ है। तो 26 जनवरी का ये रैली है। बाकी आप देख सकते हो सब, ये देखो आप। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में झंडा उत्तोलन होगा, उसके बाद झांकी निकलेगा। तो गाइज यहाँ पे तो अभी झंडा उत्तोलन हो चुका है खत्म। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, चलते हैं यहाँ जादूपुर, तो वहाँ का ब्लॉग दिखाते हैं। तो अभी जाएंगे घर, अभी रेडी होंगे और फिर चलेंगे वहाँ घूमने फिरने। फिर आपको दिखाएंगे पूरे जादूपुर का सीन दिखाएंगे और बाकी रोड का भी कुछ सिनेमैटिक शॉट दिखाएंगे आपको। तो वीडियो सन I'm not a big kid, I know you're there. I'm not a big kid, I know you're there.
हम लोग जा रहे थे जादवपुर, और यहाँ का कुछ देख लीजिए व्यू, जादवपुर के गांव का कुछ व्यू देख लीजिए। ये जादवपुर आप जाओगे तो ये सारे रोड दिखेगा, और रोड भी देख लीजिए कितना अच्छा रोड है ये। अभी फिलहाल अभी न्यू है तो रोड अच्छा ही रहेगा, बाकी पुराना जैसे जैसे होगा वैसे वैसे रोड टूटता जाएगा। तो ये देख लीजिए अभी ये जादवपुर जाएंगे आप तो ऐसे ही आपको दिखेगा कुछ। तो ये गांव का भी सीन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए ये थोड़ा सा, और आगे चल के आपको दिखाते हैं फिर। देखिए ये सारा, पहले हम आ चुके थे जादवपुर, और ये देखिए जादवपुर का कुछ व्यू ऐसा है। और ये जादवपुर पुल पे जैसे आप चढ़ोगे तो आपको ये रोड दिखेगा, और दोनों साइड में आपको दिखेगा इधर भी पानी उधर भी पानी, बोले तो दरिया दिखेगा ये। तो ये देख लीजिए ये आप, तो ये देखिए जैसे जादवपुर आप आओगे वैसे आपको दिखेगा। ये देखिए मछली मार रहे थे यहाँ पे, तो सोचा इसका भी ब्लॉग देख लूँ, दिखा दूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से, और आगे चल के यहाँ से आप लोग इधर से जाओगे गोपालगंज से जाओगे तो यहाँ से आप मोतिहारी बेतिया और भी आपको चल के बोर्ड पर दिखाते हैं। बोर्ड पर आपको देखिए बोर्ड आगे है, बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ से आप जाओगे तो इधर से पड़ेगा इस साइड से आप इधर मोहम्मदपुर जाना होगा, तो इधर से आप नहीं जाके इधर से जाओ तो आपको इधर से बहुत आसान पड़ेगा। तो जब मोहम्मदपुर होकर हम लोग जाते थे तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ से आपको देखिए यहाँ से आप लोग आराम से जा सकते हो। यहाँ देख लीजिए बोर्ड पे ये वाल्मीकि नगर अक्सौल बेतिया नौतन जगदीशपुर मोतिहारी अरेराज गोपालगंज से होकर आओगे तो आपको ये पड़ेगा। ताकि ये 26 जनवरी का कुछ आए थे घूमने उमने, तो ये देखिए पूरे मजे ले रहे हैं बच्चे, भाई लोग जितने भी है सारे फोटो शूट करवाने आए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए जादवपुर पुल है ये, तो कुछ ऐसा सीन है ये जादवपुर पुल का। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक किए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, करके ही जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये देखिए आप लोग कल के आगे भी। तो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो वीडियो मेरा पूरा देखे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देख लीजिए ये सारा देख लीजिए, मेरे पीछे आगे देख लीजिए, ये पूरा बहुत ही आज की वीडियो मज़ेदार वीडियो है। ये देखिए आप लोग ऐसा देख सकते हैं पूरे पुल पे लड़के आए हुए हैं, टाउन से देहात से जहाँ जहाँ से भी लड़के जानते हैं आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाने। तो आप भी आइए और इस पुल का मज़ा लीजिए। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। हम लोग आ चुके हैं जादवपुर बांध पुल पे, तो अभी 26 जनवरी का पूरा आनंद ले रहा है लोग, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ये पूरे बच्चे आनंद ले रहे हैं 26 जनवरी का। तो वीडियो के संग बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं, मज़ा दिखाते हैं। तो अभी तो हम रेडी होके आ चुके थे घर से, तो ये देख लीजिए अभी, तो ये देखिए ये जादवपुर बांध है यहाँ। बाकी आपको और डिटेल्स खाने पीने के लिए जा रहे हैं गाइस, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे अगर आप जादवपुर, तो अगर आप जादवपुर आते हैं तो बता देते हैं कि आप लोग कहाँ खाइएगा क्या खाइएगा, और यहाँ चाय बहुत ही अच्छा बनाता है। तो चल के आगे आपको दिखाते हैं, चलिए। तो अभी जा रहे हैं गाइस, यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ आप जादवपुर आते हैं तो कहाँ रुकिएगा और क्या खाइएगा। तो चलिए आगे के वीडियो में आपको दिखाते हैं, बाकी वीडियो का संग बने रहे और कमेंट करके जरूर बताइए। देख लीजिए मेरे पीछे ये पूरा पुल ही पुल है, ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी पूरे 26 जनवरी का मजा ले रहे हैं। ये देखिए चलिए आपको आगे के वीडियो में दिखाते हैं। अभी आ चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, दिखाते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए। तो अभी हैं हम लोग पलानी में, खाने के लिए आए हुए हैं पलानी में। बाबू कुछ है खाने वाला? प्रणाम नीतीश भैया। हाँ तो जब भी जादवपुर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर रुकिए और चाय। तो जब भी आप जादवपुर आए तो यहाँ का आप खाएं कुछ भी, समोसा हो, पकौड़ी हो, चाय हो, और सेव हो, बुनिया हो,
यहाँ पे सब कुछ मिलता है, जब भी आए यहाँ पे खाए। और ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मड़ई है जादवपुर में। जैसे आप इंटर करोगे बेतिया जाने के लिए, तो जादवपुर का पुल खत्म होते ही ये आपको दिखेगा। तो ये भाई है, ठीक है। तो जब भी आए यहाँ पे खाए, और देख लीजिए ये सब। तो गाइज, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बेतिया और वाल्मीकि नगर इस साइड से अगर कोई भी आता है और गोपालगंज की इधर जाता है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, जादवपुर बांध होकर आप जाओगे और यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे बोर्ड पर भी वैसे लिखा होगा, लेकिन देख लीजिए, यहाँ से आप गोपालगंज, सिवान और गोरखपुर, लखनऊ और भी बहुत सारे इधर से जा सकते हो आप, अगर शॉर्टकट आना चाहते हो इधर बेतिया होकर। कुशीनगर, गोपालगंज, सिवान, केसरिया, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, ये सारा ये इधर से जाएगा अगर आप बेतिया होकर आते हो तो। और उधर से गोपालगंज होकर आते हो तो यहाँ मैंने पीछे भी दिखा रखा है आपको। तो चलिए और आगे आपको दिखाते हैं, तो वीडियो के संग बने रहे, और मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो करते हैं समाप्त। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और अगली वीडियो कैसी रहेगी वो भी कमेंट करके बताएं। तो ये देख लीजिए, अभी जादवपुर का पूरा आपको दिखा दिए हैं व्यू। तो यहाँ पे मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ वीडियो करते हैं समाप्त। तो चलते हैं फिर, मुसलमान भाइयों को सलाम और हिंदू भाइयों का राम राम। जय हिंद, जय भारत।